बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स। आज हमारा शॉर्ट हैंड का सिक्स वावल है। सिक्स वावल ऑफ शॉर्ट हैंड को हम लॉन्ग टू कहते हैं। टू टू हमारे साथ थर्ड प्लेस पर आएगा, हैवी डैश होगा इसके साथ और साउंड ऑफ लॉन्ग ओ, यानी कि वो साउंड जो हमारे पास लॉन्ग ओ की आवाज़ निकाले उसको हम टू का वावल कहते हैं। यहाँ पर है हमारे साथ थर्ड प्लेस का वावल, उसके सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर लगेगा, यानी कि हमारे पास अभी थर्ड प्लेस का वावल आ गया है तो उसका जो सेकेंड स्ट्रोक होगा उसके सेकेंड स्ट्रोक के वावल हमारे साथ बिफोर लगेगा। इसको अब हम रीड आउट करेंगे। तो टू का जो वावल है हमारे साथ थर्ड प्लेस है, हैवी डैश है, साउंड ऑफ लॉन्ग ओ, यानी हर वो वर्ड्स जो लॉन्ग ओ की वॉइस निकाले उसे हम टू का वावल कहेंगे। ये हमारे साथ वर्ड्स हैं, वावल्स हैं, शॉर्ट हैंड है। वर्ड्स हमारे साथ है पू, देखें ये जो एंड में है ऊ, ये हमारे साथ लॉन्ग ओ की प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा है पू को। तो ये जो टू है ये हमारे साथ आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, क्योंकि टू का वावल है तो टू का वावल हमारे साथ थर्ड प्लेस पर आएगा। ये पी हो गया है थर्ड प्लेस पर और उसके बाद पू, पी के बाद वावल है तो हम पी के बाद हैवी डैश लगाएंगे। पी पू 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 पू, जैसे जैसे आप लोगों ने लिखना है स्ट्रोक्स को, आप लोगों ने अपने मुंह से इसको प्रोनाउंस करना है ताकि आप लोगों को ज़बानी याद हो जाए। देखें ये हमारे साथ अभी थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस में आगे और हैवी डैश आगे और जो है साउंड ऑफ लॉन्ग ओ की आवाज़ बस। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ है ऊप है, तो ऊप यहाँ पे ये जो डबल ओ है, डबल ओ ये हमारे साथ लॉन्ग ओ की वॉइस निकाल रहा है तो वावल पहले आया है तो हम वावल को पहले लगाएंगे हैवी डैश के साथ। ऊप 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 एंड ऊप। नेक्स्ट है हमारे साथ बू, हमारा जो वर्क है जो काम है हमारा वो इस डबल ओ के साथ है। बू को हम हैवी लिखते हैं, हैवी डैश बू, हैवी डैश बू, हैवी डैश बू, हैवी डैश बू एंड बू। नेक्स्ट है हमारे साथ ऊब है, बी वावल पहले आया है तो हैवी डैश पहले आएगा। ऊब 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 ऊब। टू है, टू हमारे साथ थर्ड प्लेस पर आएगा, वावल बाद में है तो हैवी डैश बाद में। टू 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 एंड टू। ऊट है, वावल पहले आया है, ऊट 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 एंड ऊट। डू है, थर्ड प्लेस डी हैवी डैश, थर्ड प्लेस डी हैवी डैश, थर्ड प्लेस डी हैवी डैश, डू 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 डू। ऊड 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 एंड ऊड। चू है, चू छे हैवी डैश, चू 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 चू। जू, जे को हम हैवी लिखते हैं,
जू जू। ऊज है, वावल पहले आया है तो हैवी डैश पहले लिखेंगे। ऊज ऊज एंड ऊज। नेक्स्ट है हमारे साथ कू के, हैवी डैश हॉरिजेंटल स्ट्रोक का सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस सेकंड होगा, यानी कि दूसरा होगा कू 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 कू। ऊ है, वावल पहले आया है तो हमारे साथ पहले आएगा ऊक 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 एंड ऊक। मुंह है, हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, इसका दूसरा और तीसरा प्लेस जो होगा वो हमारे साथ दूसरा ही होगा। मूव 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 एंड मूव। फू है हमारे साथ एफ थर्ड प्लेस पर, ऊ बाद में है तो वावल बाद में आएगा। एफ हैवी डैश फू फू फू। बूट है बी थर्ड प्लेस टी। अब यहां पर देखें सेकेंड स्ट्रोक थर्ड प्लेस का वावल उसके सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर लगेगा, यानी वावल हमारे साथ इस साइड पर आएगा। बी टी बूट बी टी बूट। बी थर्ड प्लेस पर टी बूट। टूल है हमारे साथ टी थर्ड प्लेस पर और ये एल सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर लगेगा। टी एल टूल टी एल टूल टी एल टूल टी एल टूल। टूथ है हमारे साथ टी एथ सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर लगेगा। टी एट टूथ हैवी डैश है ये। टी एट टूथ टी थर्ड प्लेस एट टूथ टूथ टूथ। यहाँ पे हमारे साथ है जून जे सॉरी जे हमारे साथ थर्ड प्लेस पर आएगा। जे एंड एन जून जे एन जून जे एन हैवी डैश जून जे एन। कूल है के एल कूल 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 एंड कूल। ये आप लोगों ने इसकी 15 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। ये था हमारा शॉर्ट हैंड का लॉन्ग साउंड था। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सिक्स जो पढ़ेंगे वो हमारे साथ शॉर्ट वावल होंगे। टू तक हमारे साथ शॉर्ट हैंड के जो लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कल से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शॉर्ट हैंड के जो रिमेनिंग सिक्स शॉर्ट वावल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ये है कि आप लोगों ने जो भी वर्ड्स आप लोगों ने लिखना है उसको आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करने के बग़ैर ये आप लोगों के जहन में नहीं बैठ सकता, तो इसको मुंह से प्रोनाउंस करना नहायत ही ज़रूरी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।